प्रत्येक गाय को दो दो लड्डू दिए जाते हैं। अभी थोड़ी देर में पूरी लिस्ट सहित आपको दिखाएंगे, सामान भी दिखाएंगे, क्योंकि पूरे राजस्थान में अभी तक लोगों को जानकारी नहीं है इस बीमारी के बारे में। बहुत घातक बीमारी है, क्योंकि कई गांव में हजार सैकड़ों की संख्या में गायें मर रही हैं। आपको लड्डू दिखा देते एक बार, ऐसे लड्डू बनाना है। इसमें है गुड़। दोस्तों हम जा रहे हैं लंपी नामक संक्रमित बीमारी जो गायों की हो रही है उसको बचाने के लिए स्थानीय लोगों द्वारा देसी जड़ी बूटियों का प्रयोग करके उनके लिए देसी नुस्खा तैयार कर रहे हैं। आप लोगों को पूरा दिखाएंगे ये। हेलो नमस्कार दोस्तों, आज आए हम लाखावास गांव ब्लॉक रानीवाड़ा जिला जालौर में, जो वर्तमान में डिजिस नामक संक्रमित एक बीमारी है जो गायों के अंदर लंपिक नामक की वो एक बहुत बड़ी महामारी है, जिसकी वजह से काफ़ी गायें मर रही हैं इस वर्तमान समय में। और उसके लिए केवल देसी नुस्खा ही कारगर साबित हुआ है, और उस देसी नुस्खा में क्या क्या डालते हैं वो चीज़ें भी आप लोगों को बताएंगे। स्थानीय लोग मेरे पीछे जो बना रहे हैं अभी, तो अभी वर्तमान समय में मारवाड़ में तो काफ़ी समय से बीमारी फैल रही थी, उसका अनुभव भी हो गया लोगों को और उसके प्रति जागरूक हो गए, इसलिए सभी नौजवान साथी मिल करके गायों के लिए ये नुस्खा तैयार करके, और हमारे सीनियर बुजुर्ग लोग हैं वो इस नुस्खे को तैयार करें, नौजवान साथी इसी नुस्खे को जो दवाई बनाएंगे देसी वो गायों को जाकर के दे देते हैं, उनसे काफ़ी फ़ायदा मिला। तो चलते हैं हम यहाँ आपको दिखाते हैं क्या क्या डालते हैं उसमें देसी नुस्खे में। अभी वर्तमान में पूरे राजस्थान में भी ये बीमारी फैलना शुरू हो गई है, तो अब दिखा देते हैं। यह है गुड़। गुड़ है, हल्दी है, काली मिर्च है। ये गुड़ है तो किस हिसाब से डालते हैं, कितना डालते हैं? 15 किलो आटा के अंदर 10 किलो गुड़, 50 ग्राम हल्दी, 50 ग्राम काली मिर्च और पानी के साथ में मिला के फिर दलिया, और 1-2 लीटर सरसों। इसमें बता दिया 15 किलो आटे के अंदर जो जो सामान है, एक बार और दोबारा लिस्ट बता देंगे। ये है बाजरी का दलिया है, बाजरी का दलिया को इसके साथ में सेक के या डायरेक्ट कच्चे को? कच्चा बना के लड्डू बना के उसको खिला देते हैं। वो प्रत्येक गाय को दो दो लड्डू दिए जाते हैं। अभी थोड़ी देर में पूरी लिस्ट सहित आपको दिखाएंगे, सामान भी दिखाएंगे, क्योंकि पूरे राजस्थान में अभी तक लोगों को जानकारी नहीं है इस बीमारी के बारे में। बहुत घातक बीमारी है, क्योंकि कई गांव में हजार सैकड़ों की संख्या में गायें मर रही हैं। आपको लड्डू दिखा देते एक बार, ऐसे लड्डू बनाना है। इसमें है गुड़, काली मिर्च, हल्दी, सरसों और गुड़ है, और ये बाजरे का दलिया है। इनको बनाकर प्रत्येक गाय को दो लड्डू, तो ओनली दो लड्डू या और भी? नहीं, एक दो आज तो दूर का। अच्छा, लगातार एक दो दिन इसको दो दो लड्डू देने से उसको फायदा मिल जाएगा। अच्छा, और भी काफ़ी और कई सारी भी दवा बिता रहे हैं। नीम पत्ती, फिटकड़ी, नीम पत्ती, ये डाल के पानी गर्म को गर्म बनाना, उनके साथ में उनको स्नान करवाना, इनके साथ में दवाई ला के छिड़काव करना, मतलब मच्छर वाली, ठीक है ना? तो ठीक है दोस्तों, फिटकरी है, फिटकरी को वो पानी में डाल के उसके ऊपर शरीर पे नहलाना नहीं, अगर गाय को ज़्यादा नहलाओगे तो नमोनिया बनने के ज़्यादा चांस रहते हैं, तो उसके केवल फिटकरी से उसको पोछा लगाना ऊपर से, जैसे उसके ऊपर जो मोटे मोटे फफोले हो जाते हैं उनके ऊपर, कभी भी ठंडे पानी से उस गाय को नहलाने नहीं चाहिए। अगर आप नहलाओगे तो उसको निमोनिया होने का 100% चांस रहते हैं, और गाय के बचने के चांस भी कम हो जाते हैं पानी के साथ। और आगे कई चीज़ें, तो दोस्तों हम आपको जो हमारे लाखावास गांव ठिकाना है वहाँ के ठाकुर साहब से भी इसके बारे में पूछते हैं, जानकारी लेते हैं, आप लोगों को भी बताएंगे। तो ठाकुर साहब जी, आप बताओ एक बार पूरी जानकारी हिंदी में, क्योंकि लोग वहाँ के देखेंगे इस वीडियो को और गायों के लिए कई तरह की सुधार करेंगे, कोशिश करेंगे क्या क्या डालना, क्या क्या खिलाना। गाय के लिए साहब ऐसा है कि शीतला माता जो पूर्व से हमारे सनातन धर्म में जिसको मानते हैं वही बीमारी है, तो शीतला माता की मनोती करो, गूगल धूप और उसका विश्वास रखो, तो कई जगह फर्क पड़ा है और पड़ेगा, हमारे को पूरा विश्वास है, इसलिए विश्वास रखना पड़ता है। और कई जगह ये मनोती करने से गायों में बिल्कुल 1% भी बीमारी नहीं रही, तो आप भी करो। ठीक साहब, अगर अपन डॉक्टर से दिखाए गायों को दवाई दे गोली दिलाए तो सिर्फ फ़ायदा मिलता है क्या?
वो भी करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा बेटर ये है। सबसे ज़्यादा ये बेटर है। तो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा देसी नुस्खा तैयार करके और उसका गाय को लड्डू बना के दे तो इससे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। बाकी जो डॉक्टरों के द्वारा दवाई वगैरह दे रहे हैं तो उससे अभी तक, क्योंकि इसकी दवाई प्रॉपर तरीके से बनी नहीं, जब तक दवाई नहीं बनी तो तब तक उसके लिए उसकी बॉडी एंटीबॉडी में काम नहीं करे। क्योंकि कारण क्या होता है कि जो गाय की लंबी बीमारी होती है वो फोड़े होते हैं, अगर अंदर से फूट जाता है तो गाय के मरने के ज़्यादा चांस रहते हैं, अगर बाहर फूट जाता है तो फिर भी उसके 50% चांस रहते हैं। लेकिन अगर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर को न दिखाकर देसी नुस्खा, कारण क्या होता है कि जो गाय की बॉडी होती है उसके अंदर वो उसकी ह्यूमिनिटी पावर बहुत कम हो जाती है, और जैसे हम इंग्लिश दवाइयां उस गाय को देते हैं तो उसकी जो एंटीबॉडी होती है उसके इफेक्ट, उसका प्रभाव को सहन नहीं कर पाती, इसकी वजह से भी गाय के मरने के चांस ज़्यादा रहते हैं। और जो देसी नुस्खा है इसमें देसी चीज़ों का प्रयोग किया जाता है ताकि उस गाय को एक तरह से पावर मिल सके और उसकी ह्यूमिनिटी पावर को भी बढ़ा सके। तो ठीक है दोस्तों, फिर दोबारा इस अगले वीडियो में और कई सारी चीज़ें दिखाएंगे आप लोगों को। तो ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोग, नौजवान साथी, हमारे बुज़ुर्ग जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनसे अनुभव ले इन चीज़ों का और एक नुस्खा तैयार करके गायों को देने की कोशिश करें। जय हिंद, जय भारत।